हेलो दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं नमोदन हूँ, उसके बाद सब कुछ मैं असम से बिलोंग करता हूँ। आज कुछ सेंटिमेंटल वीडियो लेके आप लोगों के पास आ रहा हूँ। एक वीडियो देखा आज सुबह सुबह ही, उसके बारे में आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आज का वीडियो स्टार्ट करूँगा। देखते रहिए लास्ट तक। भाई जो लड़का एक बार नवोदय में चला, उससे पहले मेरी जवानी तो देख लो, आए हाय नजर ना लगे तुझे। भाई जो लड़का एक बार नवोदय में चला जाता ना, फिर उसका अलग ही स्वागत होता है। भाई आ गए, नमस्कार। तो मैं सोचा हूँ उसके पक्ष में शब्द रखो, भाई सुनना जरूर, ठीक है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगता है। पहले तो मैं प्राउड टू बी नवोदय हूँ। नवोदय का बच्चा हर एक बच्चा ही सेलिब्रिटी होता है, क्योंकि वो जानता है अपने आप को कैसे जीना है, फ्यूचर में इन फ्यूचर कैसे जीना है। पहले तो अपना हालत ठीक कर ले, आत्मसम्मान पे गर्व करेगा ही, क्योंकि एक जिले में 80 सीट रहता है और उस 80 सीट के लिए 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक फॉर्म फिलअप होता है। तो उस 10,000 में से 80 बच्चा सिलेक्ट होकर नवोदय में एंट्री करता है, तो अपने आप के गर्व करेगा ही। तेरे जैसा नहीं है, औकात के बारे में बोल रहा है, तेरा क्या औकात है? एक क्लासेस का बच्चा है ना नवोदय का, उसके ब्लाद में भी औकात रहता है, क्योंकि बच्चा सीख से ही सीख जाता है क्या करता है कि लाइफ में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तेरे जैसा अल्टी पल्टू बनाने के लिए नहीं सोचता है। स्वैग, स्वैग का मतलब क्या मालूम है? जिसके पास कुछ स्वैग करने वाला कुछ औकार होता है, तेरे पास क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं यार, नॉर्मली मैं गाली देता नहीं हूँ, लेकिन भाई जो ये सोचते हैं कि मैं नवोदय जाऊंगा, वहाँ पढ़ाई करूंगा और कुछ बनूंगा, तो भोसड़ी के वहाँ से कुछ भी। अरे भाई तू जानता क्या है नवोदय के बारे में? जानता क्या है वो बता पहले। कौन है, कहाँ से आते हैं? पढ़ाई के बारे में बताओगा ना, तेरा चीप घूमते मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि रिसेंट जो 5 ईयर्स है ना, नवोदय रिजल्ट टॉप कर रहा है, एवरेज रिजल्ट अभी शो कर रहा हो, देख इधर में देख, आके खोल के देख। वहाँ कुछ सीखो ना सीखो, बीड़ी फूकना जरूर सीख जाओगे तुम। जाइए, मुझे मुझे समझ नहीं आ रही बात। बीड़ी आजकल कौन पीता है मालूम है? एक वर्कर पीता है, वर्कर वर्कर, तेरे जैसा वर्कर। बहुत खतरनाक है ये। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोंडा नवोदय जाकर अपना आत्मसम्मान पर गर्व महसूस कर रहे हैं ना, भोसड़ी के बहुत कम इंसान होते हैं आप जैसे हमारे देश में। हमारे गर्व तो हर एक पार्ट ऑफ बॉडी में ही है। पार्ट ऑफ बॉडी का जो पार्ट है ना, आँख, चूल, उसके बाद मुंह, दाढ़ी वगैरह, सब में हम लोगों का गर्व छुपा हुआ है भाई। और भोसड़ी के नवोदय में जाकर जितना तुम गाना फूकते हो ना, भले ही तुम्हारा बाप को नहीं पता होगा, मुझे सब पता है, ठीक है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। गांजा फूकता है, गांजा फूकता है, तू देखा है कभी हॉस्टल में जाके टीचर्स लोग कैसे घूमता है, वार्डन लोग कैसे घूमता है, देखा है कभी? तेरे घर में फूक सकते हो, जेएनबी में और नवोदय में नहीं। दो टाइम खाना, दो टाइम नाश्ता, टोटल खाना 2 to the power 4। खाने का बात बोल रहा है, पता है नवोदय का खाना कैसा होता है? हर एक हॉस्टल में जाके जाके देख के आओ क्या होता है। 3 times chicken मिलता है, 2 times मछली मिलता है। असम में बोल रहा हूँ, असम से हूँ, असम से बोल रहा हूँ, असम से रिप्लाई दे रहा हूँ। 2 times मछली मिलता है, 3 times अंडा मिलता है। अरे जो जो गुरुवार होता है ना, वो गुरुवार में कभी कभी मिठाई भी मिलता है और नहीं तो खीर मिलता है। तेरे घर में बनता है कभी? कुछ भी बताओ नवोदय के फैसिलिटी के बारे में, तू पहले जान ले उसके बाद बता। तेरे घर में ही नहीं होगा शायद ऐसा फैसिलिटी हर एक बच्चे के लिए। और उधर प्लेग्राउंड के पीछे सुप्रिया प्रेमचंद्र गोस्वामी की अलग ही गुप्तगु हो रही है। भोसड़ी के यहाँ कुछ मिला ना मिले, प्रेमी जरूर मिलेंगे। अरे भाई प्रेमचंद्र गोस्वामी ये क्या बोल रहा है? अरे भाई हर एक लोगों के दिल में प्यार रहता है, कोई किसी को प्यार कर सकता है, उसमें क्या बुरी बात है? टाइम मिला बात किया, उसमें क्या बुरा हुआ? चोरी छुपके तो कुछ नहीं कर रहा है ना। और इन सबके बाप को पता था कि मेरा बेटा परीक्षा में पास होकर हॉस्टल नहीं जा पाएगा, इसलिए बोरियां भर के पैसा दिया और हॉस्टल में डाल दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नवोदय के लिए इंडिया का हर एक लोग गर्व करना चाहिए, क्योंकि फ्री में जो गरीब बच्चा है, गरीब लड़का लड़की लोग है, उन लोगों को पढ़ा रहा है गवर्नमेंट,
कपड़ा दे रहा है, अच्छा शिक्षा दे रहा है, अच्छा फ्यूचर दे रहा है, उसमें तुम रोज करने की क्या बात हुआ, क्या बात हुआ? नवोदय के छात्र के मुंह में गालियां की एक अलग ही ब्रांड देखने को मिली। तेरे मुंह में ही तो गाली रहता है। जो स्ट्रगल बिहार बोर्ड के जनरल गवर्नमेंट स्कूल वाले लौंडे करते हैं ना, वो स्ट्रगल तुम नहीं कर पाओगे। बहन जो तीन टाइम ट्यूशन जाते जाते गांडी चल जाते हैं, ऊपर से रूम में खाना बनाओ वो। ये देख नवोदय का स्ट्रगल। और एक चीज, ये सब चीजें मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन तुम सीरियसली मॉरल ऑफ द वीडियो यह है कि जो लौंडे ये सोच रहे हैं कि मैं नवोदय जाऊंगा तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ होता है। शायद तेरा भी कभी कभी सपना रहता था कि नवोदय में जाऊंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अच्छा लाइफ जीऊंगा, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ, इसलिए आज रोज कर रहा है। तू जानता क्या है नवोदय के बारे में? हाँ, तू जानता क्या है, नवोदय से निकल के लोग IPS, IAS और क्या क्या बड़े बड़े कंपनी में साइंटिस्ट क्या क्या कर रहा है? तेरे तू यहाँ पे लगा हुआ है, क्या करता है क्या नहीं करता, हॉस्टल में कोई भी कोई एमजे करता है भाई। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, अरे कहना क्या चाहते हो? पहले तू इंग्लिश सीख कर ले, उसके बाद इंग्लिश में टॉकिंग करना। नवोदय का एक क्लासिक्स का बच्चा ही तेरे से अच्छा इंग्लिश बोलेगा। इफ यू हैव बिकम समथिंग देन यू शुड नॉट गो देयर। माफ करना भाई, इंग्लिश में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। बात बताओ, तू एक नवोदय को बुलाएगा, 10 लोग आएगा, 10 नवोदयन आएगा, एक को बुलाएगा, 10 को बुलाएगा, 100 लोग आएगा, 100 नवोदयन, और 100 को बुलाया तो लाखों हजारों आ जाएगा। बुलाओ एक बार, बुलाओ अपने घर में, बुला के देख, आ जाएगा।